नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया, कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई, अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। भाई कौन होगा जिसने कभी ना कभी आलू की सब्जी ना खाई हो। आलू की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देश में अनेक अनुसंधान दिन रात चलते रहते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ले चलते हैं शिमला और बात करेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध व कम वसा युक्त आलू की खेती विश्व के लगभग 150 देशों में की जाती है। चीन, रूस, यूक्रेन और भारत दुनिया में आलू के प्रमुख उत्पादक देशों में से हैं। आलू का उद्गम आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में माना जाता है और भारत में आलू पुर्तगाल के व्यापारी 17वीं शताब्दी के आरंभ में लाए होंगे। भारत में शायद ही कोई ऐसा रसोई घर होगा जहां पर आलू न दिखे। इसकी मसालेदार तरकारी, पकौड़ी, चाट, चिप्स जैसे स्वादिष्ट पकवानों के अलावा भुजिया और कुरकुरे भी हर एक के मन को भाते हैं। तमाम गुणों से परिपूर्ण सब्जियों के सम्राट के रूप में प्रतिस्थापित आलू एक सब्जी ही नहीं बल्कि संपूर्ण आहार है। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला शहर के बैमलोई में स्थित है। संस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से आलू अनुसंधान, आलू की उत्पादकता व इसके लाभ को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण निर्धनता से छुटकारा दिलाने में केंद्रित है। ये संस्थान अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से आलू अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम 8 प्रभागों के तहत करता है। देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में आलू की खेती के लिए 52 से अधिक उपजशील किस्में जारी की गई हैं। बीज खेत विधि का विकास और पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोग रहित बीज उत्पादन कार्यक्रम की स्थापना इस संस्थान की प्रमुख अनुसंधान उपलब्धि है। हम 4,50,00,000 आलू उत्पादन करते हैं। इसका श्रेय मूलतः केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को जाते हैं। हमने ऐसा किस्में बनाया जो कि पूरा भारत में फैला हुआ है। लगभग 2,00,000 हेक्टर में आलू अभी उगाया जाता है और कम से कम 90% आलू इसी संस्थान से बना हुआ किस्म से उगाया जाता है पूरा कंट्री में। आलू के फसल प्रबंधन में स्वीकार्य सीमा से नीचे खरपतवारों का प्रबंधन करना अति महत्वपूर्ण होता है। आलू के लघु कंदों के उत्पादन के लिए एरोपोनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रो बॉक्स में तरल चेम्बरों में पोषण घोल से बढ़वार होती है। संस्थान के फसल उत्पादन संभाग ने प्रबंधन रणनीतियों के विकास के साथ साथ पोषक तत्वों एवं जल की प्रभावशीलता का विकास किया है। हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसका हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से जो हमारी जो वैरायटीज़ हैं, जो नई नई वैरायटीज़ डेवलप हो रही हैं, उनके लिए हम इस तरीके से पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप करें, हम कम से कम संसाधनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। संस्थान का फसल सुधार संभाग आलू जनन द्रव्य का संकलन, संरक्षण, मूल्यांकन व प्रलेखन करता है। वर्तमान संकलन में कुल 30 देशों से प्रजातियों की कुल 4,150 से भी अधिक प्राप्तियां शामिल हैं। प्रमुख रोगों तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधिता रखने वाली भोज्य और प्रसंस्करण प्रायोजनों हेतु उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। फसल सुधार संभाग आलू के आनुवांशिक सुधार के लिए आणविक जीव विज्ञान टूल्स का उपयोग करता है।
हमारा जो ये संभाग है ना केवल वैरायटियों के लिए काम कर रहा है परंतु नया नया जर्म प्लाज्म जो भी कहीं विदेशों में या कहीं भी जहाँ कहीं भी आलू कंजर्व होता है वो हम लोग लाते हैं और अपने इधर कंजर्व करते हैं और उसको एज ब्रीडिंग मटेरियल या पेरेंटल लाइन उसको यूज़ किया जाता है। संस्थान का अपना 521 हेक्टेयर फार्म क्षेत्र है जो 15 इकाइयों में विभाजित है और यहाँ सालाना 2700 मीट्रिक टन प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादित बीज का वितरण भारत सरकार की राष्ट्रीय बीज वितरण समिति के माध्यम से 3 चरणों में गुणन करने के लिए दिया जाता है। CPRI उत्तक संवर्धन नाभिक बीज से 100% प्रजनित बीज तैयार कर रहा है। हमने हाईटेक बीज प्रणाली जो है उसका बहुत अभी कुछ ही टाइम से जो है शुरुआत की है और इससे हमें कम से कम समय में बहुत ज़्यादा आलू की पैदावार हो रही है ताकि हम किसानों की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहु रोग प्रतिरोधिता रखने वाली आलू की किस्मों को तुरंत बढ़ावा देने की जरूरत है। संस्थान के फसल संरक्षण संभाग ने पछेता झुलसा, शाकाणु मुरझान, वायरस और मिट्टी व कंद जनित बीमारियों के प्रबंधन की एकीकृत कृषि क्रियाओं के पैकेज का विकास किया है। बेसिक प्लांटिंग मटेरियल उसको हम विषाणु रोगों से मुक्त करके उसको जो किसानों को मुहैया कराया जाता है। इसके साथ साथ जो है संभाग जो है विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु जो स्प्रे सारणी विकसित की गई है वो किसानों को इसकी जानकारी देता है। बाजार में उपलब्ध स्थानीय आलू उत्पादों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे प्रसंस्कृत आलू उत्पाद आलू लच्छा, चिप्स, भुजिया आदि में स्वाद बढ़ाने वाले यौगिकों की पहचान की गई है। मात्रा और गुणवत्ता में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आलू भंडारण किया जाता है। नई से नई ऐसी किस्मों का विकास करना जो जिनसे कि अच्छे प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सके और साथ ही उसमें क्वालिटी की के स्टैंडर्ड्स को चेक करना। सिंगल विंडो डिलीवरी प्रणाली के सिद्धांत पर संस्थान में वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों, किसानों व विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सूचनाएं एक छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाती हैं। संस्थान का अपना संग्रहालय है जिसमें आलू का उद्गम एवं विकास और यांत्रिक उपकरणों के मॉडल भी प्रदर्शित हैं। जो भी हमारे जो संस्थान में जो भी शोध हो रहे होते हैं चाहे वो बीज के बारे में हो, चाहे वो डिजीज के बारे में हो, चाहे आपका वैल्यू एडिशन के बारे में हो, चाहे आपका स्टोरेज के बारे में हो, चाहे वैरायटी के बारे में हो, तो वो उनकी सारी जानकारियाँ हम लोग उनको या तो खुद उनको हम वहाँ पर हम लोग जाके देते हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो हम अपने संस्थान के प्रांगण में किसान मेला, किसान गोष्ठी इत्यादि बहुत सारे ऐसे हम लोग कार्यक्रम करते हैं जिनसे कि किसान को बहुत फायदा हो रहा है। संस्थान के प्रयासों से आलू की उत्पादकता व उत्पादन में हुई चमत्कारिक वृद्धि भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन की परिचायक है जिसके फलस्वरूप भारत विश्व का दूसरा प्रमुख आलू उत्पादक देश बनकर उभरा है। मुट्ठी